हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कंसिलियेसन इज अनदर टेक्निक ऑफ एडीआर ठीक है कंसीलिएशन क्या है इट्स अ क्वाइट सिमिलर प्रोसेस टू मीडिएशन है ना काफ़ी सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है देखिए okay? कंसीलिएशन क्या है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर दोनों पार्टी जो भी पार्टीज पार्टी इन्वॉल्व हैं अपनी फ्री विल पर न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करती हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट दिस इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन कंसिलेशन एंड मीडियशन डिफ्रेंस बिटवीन मीडिएशन कन्सिलेशन इज़ द रोल ऑफ़ द थर्ड पार्टी जो रोल है वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है प्रोसेस सेम है लेकिन जो थर्ड न्यूट्रल पार्टी है उसके रोल पर फ़र्क आ जाता है जैसे कि मीडिएशन में क्या होता है जो मीडिएटर है वो सिंपली फैसिलिटेटर का रोल काम प्रोवाइड करता है ना मतलब वो सिर्फ फैसेटेट करता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई सोल्यूशन निकल जाए बट जो कंसिलिएटर है या कंसिलिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है जिसको हम कंसिलिएटर बोलते हैं वो मीडिएटर से ज़्यादा उसका रोल है वो क्या करता है वो यहाँ पर उसका जो रोल है वो इंटरवेंशनिस्ट है मतलब वो इंटरवीन करता है इन द सेंस दैट ही सजेस्ट पोटेंशियल सोल्यूशन टू द पार्टीज वो ये सजेस्ट करता है पार्टीज़ को कि क्या उसके पॉलिसपल सोल्यूशन हो सकते हैं सो दैट देयर इशूज़ कुड बी रिजोल्ड और उनके जो क्लेम्स और जो डिस्प्यूट है वो सेटल हो सके तो अगर आप ये कहें अगर बिल्कुल एक थिन जो लाइन है उसको ड्रॉ करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिएशन में जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ फैसिलिटेटर है और कंसीलिएटर में कंसीलिएशन में थर्ड पार्टी एक्टिव रोल प्ले करती है या प्रो एक्टिव रोल प्ले करती है इंटरवेंशनिस्ट का और सोल्यूशन सजेस्ट करती है टू द पार्टीज इन्वॉल्व अब लॉज क्या है ऑन मीडिएशन लॉज ऑन मीडिएशन एंड कंसिलेशन बोथ

प्री लिटिगेशन मीडिएशन मतलब लिटिगेशन में जाने से पहले से ही अगर किसी का मीडिएशन का अग्रीमेंट हुआ है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा द प्रोसेस एंड हैव बीन आर्बिट्रेशन एंड कंसीन एक्ट नाइनटीन सॉरी नाइनटीन एंड ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन इसमें भी कंसिलेशन के बारे में मैंशन है अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो है हमारा लोक अदालत देखिए लोक अदालत जैसे इसके नाम से शुरू हो जाता है लोक का मतलब होता है पीपल अदालत मीनस कोर्ट तो इट्स सिंपली पीपल्स कोर्ट ठीक है और ये जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन जुडिशरी का टू द ग्लोबल लीगल जो स्टूडेंट्स मतलब जो दुनिया भर का जो लीगल सिस्टम है उसको ये कॉन्ट्रीब्यूशन लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया की देन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत इन इंडिया एज द वेरी नेम सजेस्ट मीन्स पीपल्स कोर्ट और लोक अदालत हमने डिस्कस कर लिया इंडिया में बहुत पुराना ट्रडिशन है और बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस तरह की ग्रास रूट लेवल जुडिशरी की हमारे बहुत सारी आप पुरानी कहानियाँ सुनते हैं है ना लोक कथाएँ हैं उनमें आपको पंचायत का सरपंच का जिक्र मिलता है कि गाँव में पंचायत थी उन्होंने ये फैसला किया ये फैसला सुना इस तो पुराने समय में भी ये जो पंचायत है ये एग्जिस्ट करती थी और इनका काम होता था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और ये विलेज लेवल पे काम करती थी जैसे हमने बात की इट हैज प्रूव टू बी अ वेरी इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन और ये जो पूरा जो कोर्ट का जो एक फॉर्मल स्टेब्लिशमेंट ऑफ लिटिगेशन है उससे काफी इफेक्टिव मेथड है ये द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन और थ्रू आर्बिट्रल प्रोसेस नोन एज known as the decision of न्याय पंचायत इज conceptualized and institutionalized in the philosophy of लोक अदालत तो लोक अदालत जो है किस फ़िलासफी पे काम करती है मीडिएशन नैगोसिएशन और आर्बिट्रेशन के जो डिसीजन होते हैं उनकी फिलासफी पर काम करती है इट इन्वॉल्व पीपल हुआ डायरेक्टली और इन डायरेक्टली अफेक्टेड बाई दिस्प्यूट रेजोल्यूशन एवल्यूशन ऑफ़ द मूवमेंट और लोक अदालत वॉज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटी टू रिलीव है तो ये जो एक पूरी मूवमेंट शुरू की गई लोक अदालत को बनाने की इसके पीछे मेन मकसद क्या था कि जो कोर्ट्स के ऊपर इतना हैवी बर्डन है इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है उसको कम किया जा सके और जो लिटिगेंट्स हैं उनको क्विक और इजी जस्टिस uh, मिल सके आज हम मॉडर्न इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर तो लोक अदालत में कौन होता है अगर uh, लोक अदालत की हम uh, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सिटिंग रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर एज द चेयरमैन और इसके अलावा टू अदर मेंबर्स एक लॉयर और एक सोशल वर्कर तीन लोगों का ये पूरा एक पैनल होता है लोक अदालत सेटल एनी मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट किसी भी तरह का मैटर किसी भी कोर्ट के पी, आगे जो पेंडिंग है उसको सेटल कर सकती है एज वेल एज मैटर्स एट प्री लिटिगेशन लिटिगेटिव स्टेज इज ऑल्सो लिटिगेशन में जाने से पहले भी सीधे भी लोक अदालत में मैटर्स को ले जाया जा सकता है ठीक है सो सच मैटर्स में बी इन द नेचर ऑफ कैसे वो सिविल और नॉन कंपाउंडेबल क्राइम्स हो सकते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ लोक अदालत आर अच्छी बात क्या है हमारे लोक अदालत में कि यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें अकोमोडेशन होती है ठीक है और फेयरनेस होती है वॉल्टरनेस होती है नेबरलीनेस होती है ट्रांसपेरेंसी होती है एफिशिएंसी होती है और लैक ऑफ एनामोसिटी होती है ठीक है ये कुछ एडवांटेजेस है और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें लोक अदालत की तो क्या है सबसे पहली बात तो इसमें कोर्ट फी नहीं लगती दर इज़ नो कोर्ट फी ठीक है जैसे कि अगर आप रेगुलर कोर्ट्स में कोई केस फाइल करते हो या सपोज टू फाइल डिपॉजिट द कोर्ट फी इस केस में ऐसा नहीं होगा और अगर आपने पहले से ही कोर्ट uh, में केस कर दिया है और उसके बाद आप लोक अदालत में जाते हैं तो जो फ़ी आपने दी है डिपॉजिट की है उसको वो रिफंड हो सकती है देन दर इज़ नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजरल लॉज एंड द डिस्प्यूटिंग पार्टीज कैंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जजेस कोई स्ट्रिक्ट एप्प्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर नहीं होती इसमें तो जजेस के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है अपनी बात कहने का मौका मिलता है जो भी इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनको डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं उनको और जो डिसीजन ऑफ द लोक अदालत है दे आर ऑन द पार्टीज एंड इन इट्स ऑर्डर इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू लीगल प्रोसेस उनको हम लीगली एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये था लोक अदालत अगर हम ओवरव्यू की बात करें या हम फर्स्ट लोक अदालत की बात करें तो इट वाज हेल्ड ऑन फोर्थ फोर्टीन मार्च 1982 एटी टू एट जूनागढ़ इन गुजरात एंड लोक अदा, अदालत हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन सेटलिंग क्लेम्स विच इंक्लूड्स मोटर एक्सीडेंट मेट्रीमोनियल फैमिली डिस्प्यूट लेबर डिस्प्यूट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विस सच सचेज टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी बैंक रिकवरी केसेज एट्सट्रा

कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको फ्री लीगल एड मिले और कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी जो है वो वीकर वीकर सेक्शन की लीगली मदद करे 2002 थाउजेंड टू द एक्ट वॉज अमेंडेड टू स्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और 2002 में परमानेंटली लोक अदालत का स्टैब्लिशमेंट किया गया इसके अलावा एन एल से नालसा जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एक स्टेचरी बॉडी है Joe constitute kigaye under the same act, Le National Legal Service Authority Act 1987. And this is, body is responsible for laid down policies and principles for making legal services under the act and frame the most effective and economical schemes for, of legal services. NALSA is engaged in providing legal services, legal aid, and speedy justice through authority. It is also disbursed funds and grants for implementing legal aid schemes, literacy camps. and programs similarly the state legal service authority act and district legal service authorities have been constituted in every capital and district respectively to is tarah ki legal service ko provide karne ke liye state mein district mein bhi is tarah ki legal service authorities banayi gayi hain so that logon ko अपने उनके rights के बारे में aware किया जा सके उसके लिए seminars discussions इस तरह का काम भी agency करती है तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में बात करते हैं अमरस मैन की आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच